गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मनोज कुमार मीणा है। मैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट कॉलेज दौसा, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का टीचर हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगा माइक्रोवेव ट्यूब के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये माइक्रोवेव ट्यूब, पहले हम इसका बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे, उसके बाद क्लेस्ट्रॉन, फिर टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन और रिट्रेंट कैविटी, और बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर, बीडब्ल्यूटी, मैग्नेट्रॉन एंड साइक्लोट्रॉन। ये एक एक करके हम सारी चीजों को समझेंगे। जो क्लेस्ट्रॉन, कैविटी क्लेस्ट्रॉन और मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन, इसमें से जो क्लेस्ट्रॉन होता है, एक क्लेस्ट्रॉन काम करता है एक एम्पलीफायर की तरह। कई बार इस बार से जैसे बोर्ड का पैटर्न है ऑब्जेक्टिव एग्जाम का, तो सीधा पूछ लेते हैं कि जो क्लेस्ट्रॉन होता है वो ऑसिलेटर की तरह काम करेगा या एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। तो जो हमारा क्लेस्ट्रॉन है ये एम्पलीफायर की तरह काम करता है, टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन ये भी एम्पलीफायर की तरह काम करता है, मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन ये भी एम्पलीफायर की तरह काम करता है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ये ऑसिलेटर की तरह काम करेगा। इसी तरीके से रिट्रेंट कैविटी BWO ये ऑसिलेटर की तरह काम करेगा, BWT ये एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, मैग्नेट्रॉन और साइक्लोट्रॉन एक क्रॉस फील्ड डिवाइस है। क्रॉस फील्ड डिवाइस का मीनिंग ये है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और BWO और BWT ये लीनियर वेव डिवाइस है। अब ये एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर का सिंपल सा मीनिंग है कि कोई सिग्नल आएगा उसको एम्पलीफाई कर देगा, उसका ये एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा। उसके बाद में जैसे हमारा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर की तरह काम करता है। ऑसिलेटर का सिंपल सा मीनिंग यह है कि इसके अंदर हम लोग कोई भी इनपुट नहीं लगाते हैं और आउटपुट आ जाता है, विदाउट इनपुट आउटपुट आ जाएगा इसमें। अब हमारे पास में सबसे पहले जैसे पेंटोड हुआ करता था, इससे पहले पेंटोड और ट्रायोड, तो पेंटोड और जो ट्रायोड था उनमें ऐसे क्या दिक्कत थी कि हम लोग क्लेस्ट्रॉन का आए, इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के क्लेस्ट्रॉन है तो उनके ऊपर हम क्यों आए? कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी पेंटोड में ट्रायोड में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं जिसको स्क्रीनशॉट लेना है और आपसे स्क्रीनशॉट लेने पर जिसको अब हम पढ़ेंगे देखेंगे पेंटोड और ट्रायोड। जो ट्रायोड है, जैसे ट्रायोड पहले होता था, ट्रायोड आप लोगों ने सुना होगा, ट्रायोड जैसे हम लोग देखते हैं इसको मॉस्फेट में ट्रायोड को देखते हैं अपन। जैसे ट्रायोड में तीन चीजें होती है मॉस्फेट में, एक ट्रायोड होता है, एक अपना एम्पलीफायर, एक अपना सैचुरेशन होता है, एक कट ऑफ। तो जो ट्रायोड है जैसे इसमें तीन टर्मिनल है, एक ही गेट है, एक ही अपना कैथोड है और एक अपना ही एनोड है। कैथोड, एनोड और गेट, ये कैथोड है, ये इसका एनोड है, ये गेट टर्मिनल है और ये इसका एनोड है। जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा कैथोड से एनोड की तरफ। अब जो हमारा गेट टर्मिनल है, यहाँ पर एक गेट होगा। अब देखो हम लोगों ने इसके जो ट्रायोड है इस पर एक डीसी वोल्टेज लगाया, डीसी वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया। डीसी वोल्टेज लगाने पर ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पर हम लोगों ने ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हम लोगों ने यहाँ पर एक डीसी वोल्टेज लगाया। अब जो डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, जो डीसी वोल्टेज वी नोट लगाने से है, इसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा ई इनटू वी जीरो। और ये क्या होगा, ई इनटू वी जीरो ये एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है कैथोड से एनोड की तरफ, इसको एनर्जी देगा 1/2 mv2, इसकी काइनेटिक एनर्जी।
पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी मिल रही है जिससे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है इस काइनेटिक एनर्जी से। अब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा 2EV0 डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट, ये इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आएगा। यहाँ पर जो E है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, E बराबर 1.6 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलम तथा एन बराबर 9.1 गुणा 10 के पावर माइनस 31 केजी। इस चीज में अगर नोट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देगा। हम लोगों ने एक चीज अच्छे से पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है उसको ना तो क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते ना उसको नष्ट कर सकते, उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। जैसे अब जो ये जो डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे रहा है जिससे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ गति कर रहा है। अब हमने एक चीज और देखा कि मानो मैंने यहाँ पर कोई आरएफ सिग्नल लगाया, दो टाइप के सिग्नल होते हैं, एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, दूसरा आरएफ सिग्नल। जो आरएफ सिग्नल होता है उसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर कोई आरएफ सिग्नल लगाया, इधर से इस जगह जो कैथोड वाला टर्मिनल है यहाँ पर एक हीटर हुआ, एक इसके अंदर हीटर हुआ, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बल्ब कनेक्ट होगी जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एमिट करती रहेगी जिससे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा। अब देखो जो हम लोगों ने आरएफ सिग्नल लगाया और जो इलेक्ट्रॉन है उनका आपस में इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होगा जिससे दो केस पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को आरएफ सिग्नल को दे दे या आरएफ सिग्नल अपनी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन को दे दे। अब इसके अंदर जो पेंटोड और ट्रायोड उसके अंदर कुछ समस्याएं आ जाती हैं, वो हमारी कन्वेंशनल ट्यूब है, जो पेंटोड है और जो ट्रायोड है एक कन्वेंशनल ट्यूब है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की समस्याएं आती हैं, जैसे लीड इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इफेक्ट, लीड इंडक्टेंस इफेक्ट, ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, गेन बैंडविड्थ और इफेक्ट ड्यू टू आरएफ प्रोसेस, इसके अंदर इसकी लॉस और ट्रेडिशन लॉस, एक एक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो इलेक्ट्रो आरएफ सिग्नल लगाया हम लोगों ने, मान लो ये आरएफ सिग्नल था, जैसे दो चीज आई थी ना, एक ऑडियो फ्रिक्वेंसी एक रेडियो फ्रिक्वेंसी। जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल है उसका जो फ्रिक्वेंसी वो कम होता है और जो आरएफ सिग्नल है इसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है, इसका फ्रिक्वेंसी कम है इसका फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है। अब हम लोगों ने जैसे ट्रायोड में एक सिरे से आरएफ सिग्नल लगाया था तथा दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उसमें इलेक्ट्रॉन और आरएफ सिग्नल दोनों का आपस में इंटरेक्शन हुआ जिससे इलेक्ट्रॉन और आरएफ सिग्नल आपस में इंटरेक्शन से आपस में एक दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। जैसे मानो आरएफ सिग्नल पहले सिग्नल ये था, इंटरेक्शन के बाद में सिग्नल मान लो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, एम्पलीट्यूड बढ़ने से सिग्नल का पावर बढ़ेगा, सिग्नल की एनर्जी बढ़ेगी। तो इसका मीनिंग यह है कि जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ा, इस एम्पलीट्यूड बढ़ा तो कैसे बढ़ा, क्योंकि एनर्जी को हम लोग ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना इसको क्रिएट कर सकते हैं, इसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने चर्चा करी थी ट्रायोड में, ट्रायोड में तीन टर्मिनल थे, एक गेट, एक कैथोड, एक एनोड। ये वैक्यूम ट्यूब है, इसको हम लोगों ने डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, डीसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया।
यहां से इलेक्ट्रॉन है, मानो इस टाइप का कोई आरएफ सिग्नल है। अब जो आरएफ सिग्नल है, आरएफ सिग्नल का और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन। इससे दो केस पॉसिबल है। पहला केस, जो ये हमारा डीसी वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। ये जो लोगों ने बात करी थी अभी, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की गति को बढ़ाएगी और ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहला केस ये है, जो हमारा आरएफ सिग्नल है और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें आपस में इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन के बाद में मानो आरएफ सिग्नल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। आरएफ सिग्नल इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, तो आरएफ सिग्नल मान लो ये था, इसने एनर्जी दिया इलेक्ट्रॉन को, इसने एनर्जी ट्रांसफर किया, एनर्जी ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन को, जिससे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, लेकिन आरएफ सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है ये कम हो जाएगा। आरएफ सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होगा, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि इसका एनर्जी भी कम होगा, इसका पावर भी कम होगा। ये हमारी कंडीशन फेवरेबल नहीं है। एक दूसरा केस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर कर दे आरएफ सिग्नल को, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ट्रांसफर कर दे आरएफ सिग्नल को, एनर्जी ट्रांसफर टू आरएफ सिग्नल। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को ट्रांसफर किया आरएफ सिग्नल की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा, आरएफ सिग्नल का एनर्जी बढ़ जाएगा। इससे जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का रिटार्डेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का रिटार्डेशन होगा और आरएफ सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। आरएफ सिग्नल का मानो पहले एम्पलीट्यूड आरएफ सिग्नल का ये था, अब आरएफ सिग्नल का एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये हमारी फेवरेबल कंडीशन है। अब हम लोग जो कन्वेंशनल ट्यूब है, ट्रायोड या पेंटोड, उसमें क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या उसकी लिमिटेशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमने ट्रायोड की बात करी थी। ट्रायोड में तीन टर्मिनल होते हैं, एक एनोड, एक कैथोड और दूसरा गेट। एनोड, कैथोड, गेट। गेट टर्मिनल है, जिसका कैथोड और ये एनोड है, एक कैथोड एनोड, ये एक डीसी सप्लाई से कनेक्ट होगा, V0 से V0 गेट टर्मिनल, गेट कैथोड एनोड। अब हम देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी पे दिक्कत आई तो क्या दिक्कत आती है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है? अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर हम लोगों ने पढ़ा है जेड बराबर जो कैपेसिटेंस होता है, जेड बराबर कैपेसिटेंस 1/2πfc। जैसे जैसे माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, वैसे वैसे जेड की वैल्यू कम होगी। अब माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर यहाँ पर जो गेट, एनोड, कैथोड, इनके बीच में एक कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा, एक कैपेसिटेंस, जैसे गेट और एनोड के बीच में कैपेसिटेंस होगा, इसको बोलते हैं CGA, एक कैपेसिटेंस, और एनोड के बीच में एक कैथोड और एनोड, इसके बीच में कैपेसिटेंस जनरेट हुआ, उसको लेंगे सी
ए और ए कैपेसिटेंस जनरेट हो जाएगा गेट और कैपेसिटेंस, गेट और कैथोड, इसको बोलेंगे सी जी सी। ये इनको बोलते हैं इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस, ये सभी हैं वो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस है। आप देखो हम लोगों ने मान लो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा कर दी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा कर दी तो जो जेड है जेड की वैल्यू कम होगी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो जेड की वैल्यू है कम होगी। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो हमारा कैपेसिटेंस है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर जेड की वैल्यू कम, इसका मतलब है तो कैपेसिटेंस कैसे काम करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और जो इसके अंदर एक इफेक्ट होगा उस इफेक्ट को बोलेंगे शंटिंग इफेक्ट, जो इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे शंटिंग इफेक्ट। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंपीडेंस कम होगा और बढ़ा देंगे तो शॉर्ट हो जाएगा। और हम लोग जो आउटपुट लेंगे आउटपुट हम लोग यहाँ से देंगे तो आउटपुट की वैल्यू कम हो जाएगी। ये किसके कारण हुआ, लीड इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। अब मानो फ्रीक्वेंसी कम थी तो जेड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो ये काम कैसे करेगा, ओपन सर्किट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमारा अगला इफेक्ट आता है लीड इंडक्टेंस इफेक्ट। ये लीड इंडक्टेंस इफेक्ट के अंदर हम लोगों को पता है कि प्रत्येक कॉइल के अंदर कोई ना कोई इंडक्टेंस होता है। जैसे अभी ट्रायड की चर्चा कर लेते हैं, ट्रायड में कैथोड एनोड गेट, इस लीड पर एक कैपेसिटेंस एक इंडक्टेंस होगा LC, इस लीड पर एक इंडक्टेंस होगा LG और एक इस लीड पर एक इंडक्टेंस होगा LA। तो जो ये इंडक्टेंस होगा हम लोगों को पता है कि जो ZL बराबर ओमेगा इनटू L, ओमेगा को लिख सकते हैं 2π A इनटू L। तो हम लोग जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंडक्टेंस बढ़ेगा, माइक्रोवेव जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंडक्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा तो लॉस बढ़ेगा, इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर जेड बढ़ रहा है तो लॉस भी हमारा बढ़ रहा है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी करंट जो कन्वेंशनल ट्यूब है उसमें लॉसेज बढ़ेंगे, ये इसका सेकंड इफेक्ट कि हम लोग कोई यूज नहीं करें। अगला ट्रांजिट टाइम इफेक्ट के अंदर हम लोगों ने अभी जाना पढ़ा जो ट्रायोड है, ट्रायोड में तीन टर्मिनल है, गेट एक कैथोड एक एनोड, गेट कैथोड और एनोड। यहाँ पर एक हीटर लगा होता है, कैथोड पर एक हीटर है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन गन कनेक्ट होती है, ये इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन एमिट करती है और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो कैथोड से एनोड, कैथोड से नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव, कैथोड से एनोड की तरफ होता है। इन दोनों प्लेटों के बीच में डिस्टेंस है डी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, हाँ एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव के कारण हम लोगों ने पढ़ा है कि जो कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटेंस पे दो प्लेट होती हैं, एक पे चार्ज पॉजिटिव है और दूसरी पे चार्ज नेगेटिव। तो यहाँ पर दोनों प्लेटों के ऊपर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव और दूसरी पर नेगेटिव,
इसके कारण एक कंप्लीट सिस्टम एक कैपेसिटेंस की तरह काम करता है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है डी। हम लोग ट्रांजिट टाइम पे पढ़ा, ट्रांजिट टाइम होता है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैथोड से एनोड की तरफ, कि इलेक्ट्रॉन कितना गति से कैथोड से एनोड की तरफ आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन की गति है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी तथा इनके बीच की डिस्टेंस है डी। तो जो ये वेलोसिटी है और डी है डिस्टेंस। अब हम इसका टाइम निकालें कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ कितनी तेज आ रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन है जो कितना टाइम लगाता है कैथोड से एनोड की तरफ आने में उसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम। और जो ट्रांजिट टाइम होता है जो टाइम बराबर डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने एक चीज जाना भी आरएफ सिग्नल है इसका टाइम पीरियड है टी, टाइम पीरियड है टी, तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा टी बराबर एफ बराबर वन अपॉन टी। अब जो इलेक्ट्रॉन होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है। अब देखो जो मानो जो अपना ट्रांजिट टाइम और पीरियड ऑफ टाइम पीरियड ये दोनों कंफर्टेबल हैं तो ठीक है थोड़ा सिस्टम सही है, लेकिन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी पर हम लोगों की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड कम होगा, टाइम पीरियड कम होगा तो जो ट्रांजिट टाइम है ट्रांजिट टाइम की वैल्यू जो टाइम पीरियड है इससे ज़्यादा आ जाएगी। तो ट्रांजिट टाइम है इसकी वैल्यू टी से ज़्यादा आएगी। तो जो ये इफेक्ट इसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम इफेक्ट, तो इसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। अगला जो लॉस है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। हम लोगों ने पढ़ा है हाई फ्रीक्वेंसी से का सबसे बड़ा फायदा क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी से गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, हाई फ्रीक्वेंसी से बैंडविड्थ बढ़ जाएगी, लेकिन जो गेन है ये लिमिटेड होता है, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो ट्रायड है लिमिटेड है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी बैंडविड्थ बढ़ जाएगी तो इसका गेन कम होगा, तो ये भी इसमें एक समस्या आती है। अगला एक लॉस आता है इफेक्ट ड्यू टू आरएफ लॉसेस, इसके अंदर दूसरा लॉस होता है एक इफेक्ट ड्यू टू आरएफ लॉसेस। हम लोगों ने ईएमटी में स्किन इफेक्ट स्किन डेथ ये सारी चीजें पढ़ी हैं। स्किन डेथ होती है डेल बराबर अंडर रूट पाई एफ यू सिग्मा। जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैल्यू कम होगी, इसका जो इफेक्टिव एरिया है इफेक्टिव एरिया की वैल्यू घटेगी। इफेक्टिव एरिया की वैल्यू घटेगी तो आर की वैल्यू बढ़ेगी जो लॉस होता है आई स्क्वायर इनटू आर इसकी वैल्यू बढ़ती है। हम लोगों को पता है जो रेजिस्टेंस होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से डेट कम होगा इससे इफेक्टिव एरिया कम होगा, इफेक्टिव एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा जो लॉस है आई स्क्वायर आर ये बढ़ेगा, तो इसके अंदर ही इसके इफेक्ट के कारण ये भी दिक्कत आती है। अगला है रेडिएशन लॉस, इसका दूसरा है पार्ट है रेडिएशन लॉस। हम लोगों ने रेडिएशन लॉस पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होगी, माइक्रोवेव में फ्रीक्वेंसी वैल्यू
बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ वैल्यू कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से वेवलेंथ वैल्यू कम होगी। अब जैसे ही जो वेवलेंथ का साइज है, वेवलेंथ का साइज कंडक्ट के साइज के बराबर होगा, वेवलेंथ का साइज कंडक्ट के साइज के बराबर होगा, वैसे ही कंडक्टर रेडियस, कंडक्टर के अंदर रेडियस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने डायपोल एंटीना पढ़ा है, ये भी इसके साथ एक प्रॉब्लम है। तो अब हम लोग इसका जो मेन प्रिंसिपल था माइक्रोवेव का, माइक्रोवेव का सबसे पहले जो इसका प्रिंसिपल आता है, माइक्रोवेव इस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्लेस्ट्रॉन, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, मल्टीवेव क्लेस्ट्रॉन, उनका जो मेनली प्रिंसिपल है वो इसका सिंपल सा प्रिंसिपल है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को आरएफ सिग्नल को देगा, इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी और आरएफ सिग्नल की एनर्जी बढ़ेगी। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। तो हम लोग अगली क्लास में एक एक को करके आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।